आज इसकी बेटी की जिंदगी दूसरी इस मैम ने दी है, भगवान बन के इलाज करा इनका कि जन्म या तो भगवान जिंदगी देता है या मैम ने दी जिंदगी। मेरी बहन साइदा है, ये इनका हस्बैंड है। हमने जम्मू भी इलाज कराया इनका, रसोली का विजयनगर इलाज कराया और जयपुर में भी करवाया था पहले हॉस्पिटल में, और नागौर साइड में भी इलाज कराया कम से कम नागौर हॉस्पिटल में। वहां सब जगह हमारे को लूटने वाले मिले, कोई 6 महीने इलाज करके छोड़ दिया हमारे को, कोई 4 महीना करके छोड़ दिया। फिर यह आए, हमने मैम की देखी यूट्यूब पे वीडियो, इनके नंबर निकाल के बात करी, तो कल 7 बजे ऑपरेशन किया इन्होंने और आज ये चलने फिरने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हमने चेकअप करवाए थे तो कोई अहमदाबाद के एड्रेस दे रहे थे, कोई काम कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी और इतना अच्छा काम तो शायद ही कोई कर सके। आप हमारे पास सुबह पहुंचे थे, दोपहर में ऑपरेशन हो गया, कल 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हो गया। और हमारे का विचार था अहमदाबाद जाने का, 15-16 साल हो गए जो मैं तक हूँ। मालिक इनका भला करे, मालिक इनको खूब तरक्की दे, भाई हम गरीब आदमी है, बहुत सीरियस बॉलर है, ये बुढ़िया है, ये मेरी बुढ़िया है, इसका क्या छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि मैं माँ मानता हूँ, मेरे पड़ोस में तो माँ का दर्जा दे रखा मैंने, बच्चे इनके छोटे हैं। गांव से हमने व्यवस्था करके सुविधा करके इसका काम इलाज का पैसे गांव वाले बोले हम लगाएंगे, जैसे भी होगी हम सहायता करेंगे, मगर यहाँ आके लगा हमारे को। तो मैम का मालिक भला करो और इनको हर खुशियां मिले, अल्लाह पाक इसको हर खुशी देवे मालिक। तो इन्होंने हमारा काम भी सही करा और ये डोकरी के लिए भी अच्छा हो गया। आज इसकी बेटी की जिंदगी दूसरी इस मैम ने दी है, भगवान बन के इलाज करा इनका। मैं तो साफ बोलता हूँ, हम गांव से हम हिंदी वगैरह नहीं जानते हैं, मगर क्या हम साफ बोलते हैं कि जन्म या तो भगवान जिंदगी देता है या मैम ने दी जिंदगी। इसकी कहानी खत्म थी और हमने भी सबर कर दिया। अब इसकी